नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब कुशल मंगली होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैप्चा पर। सुसरिए गलत क्यों होते हैं? जब हम इसको अच्छे से फिल करते हैं फिर भी ये इनवैलिड कैप्चा ऐसा बताता है ना। आज हम इसकी पूरी गणित समझेंगे। और आज जो आपने ये वीडियो देख लिया, शायद 2-3 मिनट का रहेगा यार, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। फिर आपको कभी भी ज़िंदगी में कैप्चा गलत नहीं होगा। आपने ये वीडियो देख लिया था। पिछले दिनों कहीं भाइयों का मेरे पास मैसेज आया, कमेंट आ रहे थे, बता रहे थे सर ये कैप्चा फिल नहीं होता, ये इनवैलिड बताता है। तो मैंने सोचा सभी भाइयों को एक साथ बता दूँ, तो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज हम इनको अच्छे से समझ लेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सो गाइस, आज के इस वीडियो हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा साथियों कि तब भी आप किसी भी साइट पर रजिस्टर होते हैं तो वहाँ पर कुछ अटपटे कोड दिखते हैं, वो कोड ही कैप्चा होता है मित्रों। ये कोड इसलिए लगाना होता है कि आप किसी भी साइट पर लॉगिन होते हैं तो आप हैकर के शिकार नहीं हो, इस वजह से कैप्चा को लगाना होता है। अब मैं आपको कैप्चा फिल करके बता दूँ कि कैप्चा कैसे भरे जाते हैं। तो साथ ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एच, दिख रहा है ना, बड़ा एक छोटा है, तो बड़ा है तो बड़ा लगाएंगे। उसके बाद में एम छोटा है, छोटा सा करें ABCD का। उसके बाद में ई भी छोटा है, तो आप ये मत सोचिए कि ये तो इसके नीचे लटक रहा है, तो लटकने दो आप, तो जैसे लिखे ना वैसे लिख दो। उसके बाद में ई और के बीच में गैप दिख रहा है ना, ये गैप भी आपको नहीं लगाना है, कैप्चा में कभी गैप नहीं आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में के बड़ा है तो के बड़ा लिखेंगे। उसके बाद में छोटा क्यू है तो छोटा क्यू लगाएंगे। इस तरह से अगर आपने लगाया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका कैप्चा कभी गलत ही नहीं होगा यार। इन कैप्चा में अगर कैपिटल अक्षर हैं तो कैपिटल लगाना है, अगर स्मॉल लेटर हैं तो स्मॉल लगाना है। अगर इनके बीच में कुछ गणित का अंक भी आ जाता है तो हमें गणित का अंक भी लगा देना है। अगर फिर भी कुछ कैप्चा ऐसा आता है जो आपको समझ में नहीं आए तो आपको कैप्चा के बगल में एक रीकैप्चा का ऑप्शन होता है, ये गोल गोल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फकदन से दूसरा कैप्चा जाएगा। आपको जितनी बार कैप्चा समझ में नहीं आए आप उतनी बार इस रीकैप्चा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नया कैप्चा ले सकते हैं। हमें अलग अलग साइटों पर अलग अलग तरीके के कैप्चा देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर PMOS वाली साइट खोली तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 41 में से 70 माइनस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास में माइनस के 29 बचे, अगर आज इसमें हम माइनस लगा के 29 लगाएंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपको माइनस वाले फंदे में पड़ना ही नहीं है। आपको नया कैप्चा इधर ले लेना, ये रीकैप्चा वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला कैप्चा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस वाला कैप्चा आ गया, दूसरी बार में माइनस वाला भी आ सकता था लेकिन ये प्लस वाला आ गया। तो 10 और 30 जोड़ेंगे तो 40 हो गए। जैसे ही 40 इस डिब्बे में हम डालेंगे अगला पेज ओपन हो जाएगा। साथियों, ये कोड हमसे 3-4 तरीके से पूछता है, ये हमें कंफ्यूजन करता है। तो आपको तब भी जरूरत पड़े तो आपको रीकैप्चा कर ले, प्लस वाला कैप्चा है तभी आप इसमें फिल कर ले, जिससे कि आपसे गलती ना हो। साथियों, हमें अलग अलग साइटों पर अलग अलग तरीका का कैप्चा फिल करना होता है, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाना है और कैप्चा किस तरीके से फिल करना है मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी। अब यहाँ पर मैंने एक साइट खोली तो यहाँ पर फिर एक अगला कैप्चा इस तरह से ओपन होया। यहाँ पर AG और HX के बीच में 6 गणित का अंक आ गया तो लगा देंगे हम, क्या दिक्कत है, दोनों बाजू में कैपिटल अक्षर हैं और बीच में 6 है तो लगा देंगे। मित्रों, 2-3 तरीके से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देता हूँ, आपको पता है। साथियों, आज का वीडियो एक बेसिक का वीडियो था, कुछ लोगों ने इसको देखा नहीं होगा, इग्नोर कर दिया होगा, अरे यार कैप्चा बता रहा है, लेकिन जिसने ये समझ लिया मेरे हिसाब से वो आप कैप्चा अच्छे से फिल कर लेगा। और साथियों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है जो हर वीडियो के अंत में रहती है कि आप डिस्टर्ब ना हो, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना।